हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू रासा इंटरनेशनल स्कूल टुडेस आर चैप्टर फॉर क्लास सिक्स चैप्टर थर्ड हिस्ट्री द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड टुडे वी हैव टॉपिक्स टू डिस्कस न्यूलॉथिक एज मेन फीचर्स ऑफ न्यूलॉथिक एज फ्रॉम द पेज नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास सिक्स के लिए है चैप्टर थर्ड हिस्ट्री यानी इतिहास और आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर यानी पहले किसान और चरवाहे जो कि जानवरों को चराने वाले थे हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे न्यूलॉथिक एज की और उस एज के अंदर किस तरीके से अर्ली ह्यूमन ने अपने आप को डेवलप किया और किस तरीके से वो एक स्मार्ट मतलब एक तरीके से अर्ली ह्यूमन था जो जंगलों में रहते थे जिनको खाना बनाना नहीं आता था जिनको खेती करना नहीं आती थी वो किस तरीके से डेवलपमेंट की तरह बढ़े और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और किस तरीके से वो खेती करने लगे कैसे उन्होंने खाने को जमा किया और कैसे अपने वेपन्स और टूल्स को

न्यूलथिक का जो मतलब होता है क्या मतलब होता है न्यूलोथिक ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड न्यूस एंड लिथोस द मीनिंग ऑफ न्यू इज न्यू एंड द मीनिंग ऑफ लिथोस इज स्टोन न्यूज का मतलब होता है नया और स्टोन का मतलब होता है स्टोन लिथोस का मतलब होता है स्टोन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नव पाषण काल हिंदी में हमने न्यूलोथिक एज को बोला नव भाषण काल लेकिन न्यूलोथिक का अगर हम इसको टुकड़ों में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो न्योस मीन नया और लिथोस मीन स्टोन इट इज द एस्टिमेट दैट इट टुक अबाउट द्री लाख ईयर्स फॉर द मैन टू चेंज फ्रॉम अ फूड gatherer टू अ फूड प्रोड्यूसर एंड दिस ग्रेट एडवांटेज एडवांसमेंट

हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आदि मानव यानी अली ह्यूमन ने अपनी लाइफ के अंदर तरक्की की किस तरीके से उसने खुद को डेवलप किया और हम न्यूलिक एज में जानेंगे कि यही वो एज है जहां पर अर्ली ह्यूमन एक बहुत स्मार्ट पर्सन बन के निकला यहां पर उसने अपने आप को अपने वेपन्स में इंप्रूवमेंट किया अपने लिविंग हुड के अंदर उसने इंप्रूवमेंट किया और वो किस तरीके से एग्रीकल्चर है उसमें उसने इंप्रूवमेंट किया ही हैट इम्प्रूव वेपन हाउस Tame more animal he had improved the weapons and greatly his tools and weapons. Though still of stone, where the smaller sharpener polished, these tools were a great variety of include the stone axes, chisels, hammer, lancets, knives, etc. Neolithic age, early humans came to know. Uh, इन हाउस एंड हु केम टू नो हाउ टू हाउ टू डू एग्रीकल्चर किस तरीके से एग्रीकल्चर की जाए और उसने किस तरीके से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया यानी किस तरीके से उसने जानवरों को पालतू बनाया और उसने अपने जो वेपन्स हैं जो एक्सेस हैं चिजल्स हैं हैमर हैं लेंसे हैं नाइफ्स हैं और किस तरीके से उन्होंने उसको डेवलप किया लुक एट द वेपन्स ऑफ एज ये वो न्यूलोतिक जो एक वेपन्स हैं जो इन्होंने इम्प्रूव किए जैसे फ़ॉर एग्जांपल अगर हम इसमें हैमर देखते हैं तो देखिए कि किस तरीके से है ये और हो गया कि थोड़ा सा और बढ़ गया और इस तरीके से उन्होंने अपने सारे एक जो जो वेपन्स थे उन सबको उन्होंने एक ज़्यादा तो मतलब स्मार्ट तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने पता किस तरीके से शिकार करेंगे कैसे हम गड्ढे को खोज सकते हैं किस तरीके से हम खेती में इनका हम यूज़ कर सकते हैं नाउ लुक एट दॉपिकल्चर करना सीखा एंड वॉटरिंग दॉल प्लांट वुड ग्रो अब जो एंशियम मतलब जो अर्ली ह्यूमन था वो किस तरीके से सीखा कि वो जो फल खाते थे वो जो सब्जियां खाते थे वो वही छोड़ के चले जाया करते थे तब वो उस जगह पे दोबारा वापस लौट कर आए तब उनको पता चला कि अच्छा हमने जो फल यहाँ खा के छोड़े थे वहाँ से पेड़ उगना शुरू हो गया तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो फल होते हैं जो फ्रूट्स हैं जो जो सब्जियाँ जो वेजिटेबल्स हैं हम उनको सॉयल्स में दबा देंगे तो उसी तरीके की फसलें यहाँ से होना शुरू हो जाएंगी और उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया नदी के किनारे अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया और उन्होंने नदी के किनारे एग्रीकल्चर को सेट किया और वहीं उन्होंने खेतों के पास रहना शुरू किया वहाँ से उनको पानी और खाना दोनों मिलने लगा अब अर्ली ह्यूमन जो थे खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह गैदरस की तरह नहीं घूमने लगे वो बेदस की तरह नहीं घूमने लगे उनको एक ही जगह पर खेती हो गई और उसी जगह पर पानी का इंतजाम हो गया इसी वजह से न्यूलोथिक एज इज नोन एज द डेवलपमेंट एज ऑफ अर्ली ह्यूमन ये एज जो है ये अर्ली ह्यूमन के लिए एक डेवलपमेंट की एज मानी जाती है प्लांट्स वुड ग्रो सोन ही प्रोड्यूस सीरियल क्रॉप्स लाइक अ ट एंड बार्ले अब धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन ने क्या उगाना सीख लिया अर्ली ह्यूमन ने गेहूं और जौ की खेती करना इस तरह से अर्ली ह्यूमन जो है अपने आप को एग्रीकल्चर में आगे लेकर आया एंड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज एज एट द मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मैन लर्न टू ग्रो हिज ओन फूड ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर अब यहाँ पर क्या हो गया ये लोग अपना खाना खुद बनाना सीख गए अब ये अभी तक फूड गैदर थे अब ये फूड प्रोड्यूसर हो गए अभी तक ये खाना को जमा कर रहे थे अब इनको खाना बनाना आ गया अब नाउ द केम टू नो हाउ टू प्रोड्यूस अ फूड नाउ द केम टू नो हाउ टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को किस तरीके से हम प्रोड्यूस करें हम अपने फ्रूट फूड को किस तरीके से बनाए अब ये अदर पर डिपेंड नहीं थे अब ये अपने आप पर डिपेंड हो चुके थे अब फूड ग्रेन हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द द रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन फाउंड एट साइट साइट अब कुछ जिनको खुदाई के टाइम पे कुछ गेहूं और जौ के कुछ नमूने मिल जाते हैं तो उससे यह आइडिया लगाया जाता है कि एज में गेहूं और जौ की खेती होती थी नाउ द सेकेंड टॉपिक इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल टू हेल्प हिम इन द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर मैन डोमेस्टिकेटेड द एनिमल सच एज ऑक्स एस एंड डॉग इन द कोर्स ऑफ टाइम द गोड्स शीप

जो हिस्टोरियन है उन्होंने ये दावा किया है उन्होंने ये बोला है कि डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल हु डोमेस्टिकेट बाय द अर्ली ह्यूमन सबसे पहले जो एक जानवर था वो डॉग है जिसे अर्ली ह्यूमन है डोमेस्टिकेट तो अब यहां से इन्होंने धीरे धीरे जानवरों को पालना सीख लिया और दे केम टू नो हाउ टू यूज दिस एनिमल हम इन जानवरों को किस तरीके से यूज करें तो अब इन जानवरों को खेती करने के लिए यूज में लाने जा है ना कोट से दूध निकाला जाने लगा उसको यूज़ किया जाने लगा तो अब अर्ली ह्यूमन ये भी जान गए कि जानवरों से उनको क्या फायदे हैं अभी तक वो जानवरों से डर के भाग रहे थे उनको मार दिया करते थे पर अर्ली ह्यूमन ने न्यूनौथिक एज में ये समझ लिया कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते और जो हमारे काम के हैं जिनसे हम खेती का काम कर सकते हैं तो अर्ली ह्यूमन ने किस किस को पालतू बनाना शुरू किया उन्होंने ऑक्स एज डॉग इन सब गोड्स उन्होंने इन जानवरों को पालतू बनाया और वो उनको उन्होंने खेती में लगाना शुरू कर दिया डॉग से वो अपने आस पास के एरिए को रखवाली करते थे और जो शीप थी गोट्स थे उनसे वो दूध का इस्तेमाल करने लगे और जो ऑक्स थे उनको खेतों में इस्तेमाल करने लगे तो यहाँ से अर्ली ह्यूमन बिकेम अ मोर स्मार्ट देन द एनी अदर एजेस वो किसी और दूसरी एज से यहां पर अर्ली ह्यूमन क्या हो गया और द स्मार्ट हो गया बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉड अ ग्रेट चेंज इन द मैं लाइफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेड देयर ड्वेलिंग नियर देयर फील्ड मैन नाउ बिगन टू लीड एन ईजी एंड सैटल लाइफ ही बिल्ड हर्ट विथ क्ले ग्रास ट्वाइक्स एंड स्टिक्स अब अर्ली ह्यूमन जान गया कि उन्हें घर किस तरीके से बनाने क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अर्ली ह्यूमन नदी के किनारे रहना सीख गया जब अर्ली ह्यूमन नदी के किनारे रहना सीखा तो उसने क्या किया एग्रीकल्चर का काम शुरू किया जब उसको खाना मिल गया उसको पानी भी मिल गया अब वो पेड़ पर पे रहने के बजाय उसने क्या किया हट बनाना शुरू किया सूखी झाड़ियां तिंकों से उसने मिला घर को बनाना शुरू कर दिया द हाउस फॉर सिंपल एंड मर्ड स्ट्रक्चर द अर्ली होम व पिट्स डक इंटू द ग्राउंड अंडरग्राउंड होम के रिज रेसिडेंट

जमा करते थे अंडरग्राउंड होम केप द रेसिडेंट वॉम ड्यूरिंग द विंटर सीजन अब उनके घर में कुछ सहन रहता था कि वो थोड़ा सा अंदर जाके उनके कमरे हुआ करते थे जो कि विंटर में गर्म रहा करते थे द साइड ऑफ पिट्स वर प्लास्टर्ड विद मट द सम पिट्स इवन लैडर इन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट अब कुछ गड्ढों में क्या था जिस तरीके से उनके गड्ढे घर के अंदर बनाया जाया करते थे वहाँ थोड़ा सा लैडर लगा के उनको और गहराई में उतरना पड़ता था वहाँ वो खाने को सेव किया करते थे मतलब यहाँ अली हुमन ने क्या किया खाने को रखना और पकाना दोनों सीख लिया वो खाने को किस तरीके से बनाना है उनको समझ में आ गया द पीपल के इनपुट पिट होम एंड स्टार्टेड बिल्डिंग एंड मड हाउस एंड ग्राउंड लेवल अपने अपने घरों में उन्होंने गड्ढे बनाना शुरू कर दिए जहां पर उसमें वो खाने को जमा करना जमा करना सीखा क्योंकि अर्ली ह्यूमन फूड प्रोड्यूसर तो बन गया लेकिन अब वो विंटर सीजन में या फ्लड्स के टाइम पे खाने को किस तरीके से सेव करे वो करना सीख गया उसने अपने घर बनाए और घर में पिट्स बनाए और वहां पर उस खाने को उसने सेव करना सीख लिया द न्यूलोथिक पीपल हैज दियर सेटलमेंट इन द ग्रेनाइट रॉक दे गेव द नेचुरल प्रोडक्शन फ्रॉम द रेन एंड सन Could be, conveniently, adopted the dwelling purpose. अब early ह्यूमन ने अपने मकानों को थोड़ा पक्का बनाना शुरू कर दिया जो उनको प्रोडक्शन देने लगे बरसात से और सूरज की तेज धूप से मैंने जो आज आपको टॉपिक बताया मैंने आपको तीन टॉपिक बताए द मैन टेक्स टू एग्रीकल्चर न्यूरोथिक मैन किस तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिकेशन उन्होंने किस तरीके से किया मतलब किस तरीके से उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया और उसके बाद हाउ दे एंगेज इन अ एग्रीकल्चर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एग्रीकल्चर में महान बनाया तो आज हमने इस टॉपिक में अर्ली ह्यूमन के किस तरीके से एग्रीकल्चर से घर बनाने तक का सफर उन्होंने तय किया अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक बनाएंगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो मोर टॉपिक विद सम न्यू चैप्टर गुड बाय